स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ में है तीर्थ व्यास के पेरेंट्स। तीर्थ को अभी अभी स्टूडेंट वीज़ा मिला है जर्मनी का, वो FH आखन में जा रहा है बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए। तो आज हम लोग तीर्थ के फादर से बात करेंगे अबाउट एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस क्या था हमारे साथ और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इस पूरे जर्मन स्टूडेंट वीज़ा लेने में, एडमिशन्स में। तो आज हम लोग उनके साथ बात करेंगे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपका स्टूडेंट वीज़ा, आपके बेटे का जर्मन स्टूडेंट वीज़ा आ गया? बहुत बहुत, वी आर हैप्पी, वेरी हैप्पी। डन। सर, आपको हमारे साथ, हमारे को हायर करने, आपने हमारे को क्यों हायर किया? एक्चुअली बहुत टाइम पहले हमारा एक स्टूडेंट के साथ बातचीत हुआ। हाँ। जो आपके वहाँ से ही उसने फाइल किया था। हाँ जी। तो उसने हमको बोला कि ये विजन जो है उसमें आपको फाइल करना है, वो डन होगा और अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। इसीलिए हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए तो हमारा थोड़ा प्रोफाइल वीक भी था। फिर अमृतपाल सर ने हमको एक अपॉर्चुनिटी दिया कि FH आखन में एक एग्ज़ाम है जो उसको अपीयर करना है, जो वो पास होता है तो उसके लिए FH आखन में एडमिशन कन्फर्म हो सकता है। तो हमारे लिए एक स्कोप हो गया, तो हमने वो एक्सेप्ट किया और मेरा सन भी उसके पीछे बहुत मेहनत किया। सर ने भी बार बार उसको गाइड भी किया, उसके पूरे स्टाफ ने, उनके स्टाफ ने भी बहुत हेल्प किया हमको कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी उसने बहुत अच्छी तरह से पास आउट किया, फिर एडमिशन भी अच्छा मिला। हमको दिक्कत सिर्फ ये कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम थोड़ा डिस्टर्ब हुए। बाकी विज़न मीन्स अमृतपाल सर हमारे लिए एक ऐसी हस्ती है कि शायद मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा स्कोप मिला है कि मेरा लड़का, उसका जो कैरियर बनने वाला है सिर्फ और सिर्फ अमृतपाल की वजह से ही बनने वाला है, बाकी नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, आपको, आप हमारे साथ लास्ट 1.5 साल से हो, आपको कभी भी ऐसा लगा कि आप, क्योंकि आप अहमदाबाद में नहीं रहते हो, आप अहमदाबाद से 200-300 किलोमीटर दूर रहते हो, आपको कभी भी ऐसा लगा कि आपको बार बार अहमदाबाद आना पड़ेगा या ऐसा होगा? कोई भी आपको सर्विसेज में थोड़ा दिक्कत हुआ हो, ऐसा कुछ भी आपको आज तक फील हुआ? नहीं सर, ये मेरे लिए जर्मनी या एब्रॉड के लिए वीज़ा के लिए फाइल के लिए मेरे लिए फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था। और फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा कि शायद मैं मेरे फ्रेंड सर्कल्स में और मेरे रिलेटिव्स में भी जिसको जर्मनी जाना है तो मैं उनको वही एडवाइस देता हूँ कि आपको जाना है तो सिर्फ और सिर्फ अमृतपाल सर के थ्रू ही जाना है। बिकॉज ऑफ मुझे सर जो बोल रहे हैं कि मुझे, मैं इतना दूर से मैं आ रहा हूँ, मगर मुझे उन्होंने इनविटेशन दिया था उनका ओपनिंग के लिए, फिर भी मैं नहीं आ पाया था। मगर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, फोनेटिक बात होती थी हमारी और कभी कभी सर बिजी भी थे, होते थे तो उनके स्टाफ में से मेगा मैम जैसे कोई भी स्टाफ मेंबर से बात करके हमको पूरा सेटिस्फेक्शन मिला है, पूरा सेटिस्फेक्शन मिला है, ताकि हमको कोई दिक्कत, कोई टेंशन हमको विजन की तरफ से तो अभी तक तो नहीं मिला है। और आई होप दैट कि फ्यूचर में भी हमको उनकी हेल्प मिलती रहेगी, ये हम पूरा चाहेंगे। ऑलवेज सर, ऑलवेज। और सर, आप जो भी स्टूडेंट्स जो प्लान कर रहे हैं या तो जो भी पेरेंट्स जो जर्मनी के लिए प्लान कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हो? वही, क्योंकि आपके, मुझे पता है कि आपकी जो बेटी है, मतलब पीच की सिस्टर भी कनाडा जा रही हैं और ये भी जर्मनी जा रहे हैं और आप एक ही साल में दोनों का पूरा फाइनेंसिस रेडी करते हो, तो आप कर रहे हो, तो आप दूसरे जो पेरेंट्स हैं या जो जिनके दो बेटे या दो बेटियां साथ में जा रहे हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहते हो? सलाह तो मैंने फेस किया है, फाइनेंशियली आई एम वेरी नॉर्मल मैन और उसमें दो बच्चों को एब्रॉड के लिए फाइल करना इस समय में बहुत मुश्किल भी था, मगर बच्चों के फ्यूचर के लिए जो करना है तो पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी होती है कि उनकी, उनके ड्रीम जो है, उनका जो होप है, उसको पूरा करने के लिए पूरा ट्राई करना चाहिए। और मैं सभी पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि आपको, आपके बच्चे जो बाहर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ज़रूर उनको मोटिवेट करें, उनको हिम्मत दें और अच्छी एजेंसी से बात करवाएं, ताकि कभी कभी ऐसी भी एजेंसी मिलती है कि हम घूमते रहते हैं और कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, मगर हमने फर्स्ट और लास्ट एक ही जगह पर फाइल किया है जर्मनी के लिए, तो हमको तो कोई कोई तरफ से दिक्कत नहीं हुई है, इजीली हम वहाँ पर
ये सब सेटअप कर सके। ग्रेट सर, ग्रेट सर। मैं भी आपको अभी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि फाइनली जर्मनी जा रहा है 1.5 साल के बाद, कोरोना के बाद। और जर्मनी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है फ्लाइट्स का, कहीं से घूम के नहीं जाना जैसे लोग अभी कनाडा जा रहे हैं, थर्ड कंट्री से। ओके, बट जर्मनी ऑलवेज स्टूडेंट्स के लिए हमेशा सबसे पहले खड़ा रहता है। लास्ट ईयर भी जैसे कोरोना के बाद सबसे पहला कंट्री था जर्मनी जिसने अपने स्टूडेंट वीजा ओपन करे थे। तो आज भी जर्मनी में कोई फ्लाइट बैन नहीं है, कुछ भी नहीं, आप कभी भी जाओ कभी भी आओ, स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है। तो सर ऑल द बेस्ट वंस अगेन, ऑल द बेस्ट थिंग्स। आप प्लीज़ जर्मनी में जाके बहुत मेहनत करना, आपके पापा ने बहुत इन्वेस्ट किया है आपके पीछे, हमने भी बहुत टाइम आपके पीछे इन्वेस्ट किया है। तो आई होप कि आप जर्मनी में जाके यू विल डू द वंडर्स। थैंक यू सर, श्योर श्योर, सी यू, बाय।